हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस, किससे रिलेटेड? एग्रोनॉमी से रिलेटेड, और वो भी जो आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी, BPSC BAO का है जो कि 1 और 2 मार्च में शेड्यूल्ड है, DSSSB का है, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ाम आपका पास किया जाएगा ये जल्दी, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, CUET का एग्ज़ाम है, जितने भी BSc वाले हैं बच्चे जो MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका CUET का एग्ज़ाम है, 11 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक पूरी सीरीज़ हम लेके आए हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 50 क्वेश्चंस आज करवाते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ पल्स फॉडर एंड ग्रीन मेन्योर क्रॉप, यानी कि ऐसी कौन सी आपकी क्रॉप है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 जगह रिपीट हुआ है, मतलब कि मोस्टली इसमें जो आपके क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। और आपने अगर पैटर्न देखा होगा अगर अलग अलग एग्ज़ाम्स का, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्या है, इधर उधर से क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे हो सके तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अलग अलग एग्ज़ाम्स के देखें ज़रूर, ठीक है। ये भी जो है ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, एक NSC के एग्ज़ाम में आया था, एक आपका वेस्ट बंगाल का अभी ADA का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन सेम था, ठीक है। सो कौन सी ऐसी क्रॉप है इनमें से जो कि पल्स में भी यूज़ की जाती है, फॉर्डर में भी, और साथ ही साथ एज अ ग्रीन मैन्योर भी यूज़ की जाती है। सो दैट इज़ द काउपी, ठीक है। काउपी में आपने देखा होगा कि USA में सबसे पहले इसको एज अ फॉर्डर क्रॉप यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर बाद बाद में पता चला कि ठीक है इसकी पल्सेस भी यूज़ की जा सकती हैं, और अब क्या है ये ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि पल्स क्रॉप है तो फिर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी कि SRI सिस्टम। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ना, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि बिहार में अगर हम देखें तो मेजरली कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, एक तो राइस हो गया आपका, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, और आपकी ऐसी क्रॉप्स जो मेज़ हैं, ये सारी क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। SRI सिस्टम कहाँ से आया था, ये मेडागास्कर से आपका आया था, ठीक है। और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या पूछा गया कि कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। सो प्लांटिंग 10 to 12 days ओल्ड सीडलिंग आप बोल सकते हो, कहीं कहीं पर इसमें 8 to 10 days भी लिखा रहता है तो वो भी करेक्ट है, 10 to 12 लिखा है तो वो भी करेक्ट ही माना जाता है, ठीक है। प्लांटिंग 1 seedling पर हिल, ये करेक्ट है, ठीक है। एडिंग ऑर्गेनिक मेन्योर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और क्या होता है इसमें, इंटरमिटेंट इसमें इरिगेशन दिया जाता है, ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग वाटर नहीं होता है बल्कि इंटरमिटेंट इरिगेशन दिया जाता है टिल फ्लावरिंग स्टेज, उसके बाद क्या है 2 inches का इसमें स्टैंडिंग वाटर रखते हैं, ठीक है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है, स्पेसिंग ऑफ 15 to 10 centimeters, ये आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड है ना उसमें किया जाता है, लेकिन आपका जो SRI मेथड है उसमें 25 into 25 centimeters की स्पेसिंग रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच पोर्शन ऑफ शुगर केन स्टॉक शुड नॉर्मली बी यूज फॉर सीड प्रोडक्शन। तो पूरा जो हमारा शुगर केन होता है उसका ऊपर का 1/3, टॉप 1/3 जो पोर्शन होता है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर द सीडिंग पर्पस, सेट इसे कहा जाता है, और इसमें 1 से 2 buds होने ज़रूरी हैं, ठीक है, थीके? 1 से 2 या फिर 3 buds भी होते हैं, तो वो अलग अलग तरह के buds इसमें यूज़ किया जाता है। उस तरह से क्या होता है, एक थ्री बर्ड सेट होते हैं, 2 bud सेट होते हैं, 1 bud सेट होते हैं, ठीक है। तो ऊपर का 1/3 पोर्शन इसमें क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऊपर के 1/3 पोर्शन में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, वेयर एज नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर सुक्रोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ग्लूकोज ज़्यादा ईजिली बर्ड से यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइटिंग इन शुगर केन इज एनहेंस्ड बाय स्प्रेइंग। सो
ये भी आपका एनएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया था और हो सकता है आगे भी कहीं रिपीट हो ये क्वेश्चन। तो शुगर केन में राइपनिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सोडियम मेटासिलिकेट आप डाल के कर सकते हैं, दूसरा ईथरल डाल के कर सकते हैं। फॉस्फाइन जो है ये बेसिकली कोई इनसे वो सॉरी एज अ पेस्टिसाइड फॉस्फाइन यूज़ किया जाता है, और सोडियम मेटासिलिकेट और ईथरल यानी कि ए और सी दोनों ही राइपनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्टली आपके बिहार से ही रिलेटेड है, ठीक है। सो बिहार में कितने हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, टोटल जो इंडिया में हैं 2015 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, बिहार में आपके तीन पड़ते हैं, ठीक है। तीन कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन बिहार अगर हम देखें तो जोन वन है नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन जोन, ठीक है। सेकेंड वाला जोन जो है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन जोन, और थर्ड जोन है ये सब डिवाइडेड है दो और जोन में यानी कि 3A और 3B में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका जो डिटेल है वो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, इन जनरल द डीप एलुवियल सॉइल ऑफ बिहार सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। सो इसमें से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, देखिए बिहार में ना बेसिकली डीप एलुवियल सॉइल है क्योंकि वहाँ पर रिवर्स भी काफ़ी आती हैं, तो उस रिवर्स से आपने देखा होगा कि पानी से क्या है एलुवियम जो सॉइल है वो डिपॉजिट होती है, ठीक है। सो डीप एलुवियल सॉइल वहाँ पर है, साथ ही साथ कहीं कहीं जो बिहार के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर एल्कलिनिटी की भी प्रॉब्लम है। तो जनरली जो सॉइल्स हैं वो किस न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है, तो सल्फर बोरोन और जिंक तीनों ही न्यूट्रिएंट्स में ये डेफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन क्रॉप, सो शुगर केन क्रॉप में वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, अराउंड इट इज़ 1500 to 2500 mm, सबसे ज़्यादा शुगर केन में ही होती है क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो होता है 1500 to 2000, ये होता है आपके राइस में, ठीक है। राइस में भी बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रैप क्रॉप, सो ट्रैप क्रॉप कौन सी होती है, जो ऐसी कुछ क्रॉप्स जिनको हम मेन क्रॉप के साइड साइड में लगाते हैं, ठीक है। तो मेन क्रॉप बीच में लगाएंगे और इनके साइड में ट्रैप क्रॉप लगाएंगे। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैप क्रॉप होती है ये बहुत ससेप्टेबल होती है या फिर कोई डिजीज़ से रिलेटेड या फिर कोई इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन से रिलेटेड, तो ट्रैप क्रॉप में सारा इंसेक्ट लग जाएगा और जो मेन क्रॉप है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। सो कैस्टर इज़ वन ऑफ दी ट्रैप क्रॉप। इसके अलावा आपका मैरीगोल्ड भी कहीं कहीं पर यूज़ किया जाता है एज अ ट्रैप क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेफरेबल सॉइल फॉर टी कल्टिवेशन, सो टी का अगर कल्टिवेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर अराउंड आपकी 4 to 6 pH की सॉइल प्रेफर की जाती है यानी कि एसिडिक सॉइल। सिमिलर इज फॉर राइस कल्टिवेशन एज वेल, ठीक है। सो राइस के कल्टिवेशन में भी हल्का सा एसिडिक सॉइल यूज किया जाता है, मतलब प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थियोसिंथे इज क्लोजली रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, सो थियोसिंथे बेसिकली किसका आप बोल सकते हो एंसेस्ट्रल है, एंसेस्टर क्रॉप है किसका, तो ये होता है मेज का, ठीक है। राइस का अगर हम देखें तो दैट इज वाइल्ड राइस, कौन सा, राइजा रियोफीपोगोन, रियोफीपोगोन, ठीक है। सो थियोसिंथे का क्या है, मेज, यहाँ पर आप देख सकते हो मेज का वाइल्ड फॉर्म है, ठीक है। सारी जो हमारी कल्टिवेटेड क्रॉप है वो वाइल्ड से ही आती है, वहीं से उसका ओरिजिन बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रीडा से रिलेटेड, ये क्रीडा ने जो ये एक आपका क्लासिफिकेशन दिया था ऑफ डिफरेंट डेप्थ ऑफ प्लोइंग, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो अभी अभी रिसेंटली भी हुआ था ये, आई गेस हाँ IBPS AFO के एग्ज़ाम में भी अभी ये आया था, उससे पहले आपका जो CCI का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेप्थ ऑफ मीडियम डीप प्लोइंग इज़, तो मीडियम डीप प्लोइंग में कितनी डेप्थ होती है, 5 to 20 cm, वेयर इज 5 to 6 cm दैट इज़ फॉर शैलो होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वेरी डीप में 20 to 25 cm, सॉरी नॉट 20 to 25, 25 to 30 cm, ठीक है, ये नहीं है,
25 to 30 सेंटीमीटर होता है, वेरी डीप। इसमें मीडियम डीप पूछा था, हाँ मीडियम डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, वीट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। वीट भी इम्पॉर्टेंट है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव वीट कॉन्ट्रीब्यूटिंग जोन, सो अलग अलग 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है कौन कौन से वीट के प्रोडक्टिव जोन्स हैं जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव है दैट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, ठीक है, वेस्टर्न की साइड जो कि पंजाब हरियाणा वाला एरिया है, और यहाँ पर आपका अराउंड 47% तक प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सॉरी 45% तक प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड डेवलप टू मैनेज द बॉल वॉर्म इन कॉटन। सो कॉटन में बॉल वॉर्म की प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होती है, सो उसके लिए हमने क्या क्या मैनेजमेंट के आप बोल सकते हो कि क्राइटेरिया क्या क्या हमने फिक्स करे हैं या फिर हमने कौन कौन से मेथड्स डेवलप करे हैं। तो एक तो है बीटी कॉटन जो कि रेजिस्टेंट है टू बॉल वॉर्म, फिर पीबी नॉट टेक्नोलॉजी है जो ये अभी हाल ही में ये डेवलप की गई है, ठीक है, इसमें फेरोमोन्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, और एक होती है आपकी रिफ्यूजिया टेक्निक भी, ठीक है। सो ये तीनों ही टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन मेज। सो मेज भी इम्पॉर्टेंट है आपके बिहार के लिए भी, और एग्ज़ाम्स में भी ये आ सकता है, ठीक है। सो क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन मेज, मेज में क्या क्या होती है, एक तो टेस्लिंग होती है जब मेल वाला जो आपका पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो डेवलप होता है, फिर सेकेंड है सिल्किंग, और थर्ड है नीहाई स्टेज। तो सारे ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन व्हेन द रेनफॉल डेफिशिएंसी इज 25% और मोर, यानी कि एक ऐसा ड्रॉट सिस्टम जहाँ पर कि वाटर या फिर आप बोल सकते हो रेनफॉल जो है 25% की डेफिशिएंसी वहाँ पर मिली है, यानी कि 75% से कम ऑन एन एवरेज वहाँ पर रेनफॉल हुई है। सो उस तरह की जो ड्रॉट कंडीशन होती है हम उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं, वेयर एज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जब बहुत टाइम तक होता है तो वाटर बॉडीज़ में वाटर कम होने लगता है तो उसे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट होता है जब आपका एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने लगती है, और चौथा है आपका फिजियोलॉजिकल ड्रॉट जो कि तब होता है जब वाटर में सेलिनिटी ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से जो भी प्लांट्स हैं वो अपटेक नहीं कर पाते वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लोइंग इन स्टैंडिंग मेज क्रॉप एट 20 to 25 days आफ्टर सोइंग इट इज़ कॉल्ड एज, इसको हम हैलोडिंग कहते हैं, ठीक है, वेयर एज राइस में जब हम करते हैं तो इसको ब्यूशनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज अमॉन्ग द लिस्टेड ऑप्शन विच क्रॉप डिमॉन्स्ट्रेट नोटेबली हाई सॉल्ट टॉलरेंस। सो सॉल्ट टॉलरेंस सबसे ज़्यादा जो है वो बार्ले में होता है, बहुत हाई होता है। इसके अलावा आपका कॉटन हो गया वो भी मॉडरेटली टॉलरेंट होता है, ठीक है, और क्या क्या होते हैं हमारे सॉर्गम हो गया, वीट हो गया, ट्रिटिकेल, राइप, ओट्स, ये सारे भी क्या हैं टॉलरेंट हैं टुवर्ड्स दी सेलिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग वीड। फ्लोटिंग वीड यानी कि देखिए एक्वेटिक वीड्स जो हैं आपके अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ होते हैं सबमर्ज वीड यानी कि सारे जो उनके पार्ट हैं प्लांट्स के वो सारे वाटर के अंदर हैं, फिर आते हैं आपके इमर्ज्ड वीड, फिर मार्जिनल वीड और फ्लोटिंग वीड। सो इसमें से आपका फ्लोटिंग वीड कौन सा है, फ्लोटिंग पूछा गया ना, इकॉर्निया क्रेसिपस जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, ठीक है, थीके? इसका जो रूट है वो अटैच्ड नहीं होता है सी बेड से या फिर रिवर बेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइजलिस मिनिमा, फाइजलिस मिनिमा क्या है, एक तरह का आपका वीड है जिसमें कि ऐसा बैलून डेवलपमेंट आप देख सकते हो, सीड के बाहर क्या है बैलून डेवलपमेंट है, और ये किस लिए होता है, कभी भी आपको जो सीड का डिस्पोजल करना होता है ना तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन, PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने क्या डेवलप करा है, न्यू वीट वेराइटी डेवलप करी है जिसमें एबिलिटी है टू रिलीज द ग्लूकोज मोर स्लोली, यानी कि स्लो रिलीज़ होता है इसमें ब्लड स्ट्रीम क्लीन में, और स्पेशली ये डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बनाई गई है। इस वेराइटी का नाम है PPWRS1, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज़ बायोहोबिसाइड फॉर्मुलेशन ऑफ फाइटोफ्थोरा पाल्मिवोरा, ये किस नाम से बिकता है, किस ट्रेड नेम से बिकता है फाइटोफ्थोरा पाल्मिवोरा,
सो ये आपका डिवाइन, ठीक है। और ये क्या था, सबसे पहला फर्स्ट बायो हर्बिसाइड था जो कि यूज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सो इनमें से कौन सा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, आपका ग्लाइफोसेट है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ग्लाइफोसेट किस किस ट्रेड नेम से बिकता है, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है और सारे इसमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जो हमने अभी पढ़ा था इकॉर्निया क्रेसिपस, ये क्या कहते हैं इसे, टेरर बंगाल भी कहते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये फैल जाता है, ठीक है। और फैल के क्या करता है, जितना भी आप बोल सकते हो कि वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके सरफेस को पूरा कवर कर लेता है, नीचे जो एक्वेटिक एनिमल्स जो भी रहते हैं उनको सफोकेशन सा होने लगता है एक टाइम बाद, ठीक है। सो ये किससे आपका इसका प्रोपगेशन होता है, सो इसका प्रोपगेशन होता है ऑफसेट से, यानी कि आगे क्या मतलब आगे एक से एक प्लांट से दूसरे प्लांट को डेवलप कैसे करते हैं, थ्रू द ऑफसेट, ये हॉरिजॉन्टल आप इसमें ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इन पैडी फील्ड्स हाउ मेनी डेज ओल्ड सीडलिंग इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द मेन फील्ड, सो मेन फील्ड में कितने दिन की आपकी जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, सो इट इज़ अराउंड 20 to 25 days ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है। वेयर इज एस आर आई मेथड में हमने देखा कि अराउंड आपकी 8 to 10 days की कर लेते हैं, फिर आपका डेपॉग मेथड है उसमें 12 to 14 days ओल्ड सीडलिंग ट्रांसप्लांट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आपका एक वेराइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। सो विच वेराइटी ऑफ पैडी हैज़ बीन बैंड बाई बैंड फॉर कल्टिवेशन इन पंजाब, तो ये पूसा 44 जो है आपकी बैन हो चुकी है पूरे पंजाब में, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन हो रहा था, सो वाटर का कंजम्पशन थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं नीचे ग्राउंड वाटर निकालते हैं, तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होने लग रहा था, और आपको पता ही कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज़ किया जाता है, सो इसीलिए इसका कल्टीवेशन ही बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ 19%, ठीक है ना। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है, आपका जो आपका प्लांट है उसमें इकोनॉमिक यील्ड कितनी आती है अपॉन इट्स बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, उसे हम हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। सबसे कम 19% क्या है, पिजन पी में देखने को मिलता है, क्योंकि पिजन पी का आपने देखा होगा कि प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में उसके जो पॉड्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टॉपिंग इन कॉटन कल्टीवेशन, सो कॉटन कल्टीवेशन में टॉपिंग एक ऑपरेशन है, वो किस लिए किया जाता है, इन ऑर्डर टू रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोथ, पार्ट टू एनकरेज द बॉल वॉर्म बॉल डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसलिए क्या करना चाहता है, ऊपर वाला जो आपकी पोर्शन है उसको थोड़ा कट कर देते हैं हम, ठीक है, टर्मिनल जो पोर्शन है उसको कट कर दिया जाता है, सो दैट लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टर्म पर्कुलेशन रेफर टू इन रिलेशन टू द वाटर मूवमेंट इन सॉइल, सो पर्कुलेशन क्या होता है बेसिकली, देखिए दो टर्म में कन्फ्यूजन होता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, एक है इन्फिल्ट्रेशन और दूसरा है पर्कुलेशन। इन्फिल्ट्रेशन होता है जस्ट एंट्री, जब वाटर की बिल्कुल एंट्री होती है तो उसको पर्कुलेशन उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, और फर्दर जब ये एंटर हो जाता है फिर क्या है, अलग अलग आपकी लेयर्स प्रेजेंट हैं सॉइल में, उनके थ्रू जब वाटर जाता है सो इट इज़ कॉल्ड एज पर्कुलेशन, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल पोर्स, ठीक है, वर्टिकल एक ही है इसमें, हॉरिजॉन्टल है और सारे, अपवर्ड तो होता नहीं, अपवर्ड मूवमेंट जब होता है तो वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाटर रेफर्स टू द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अवेलेबल फॉर प्लांट्स, तो इसको कहा जाता है आपका ग्रीन वाटर, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और फिर वो प्लांट्स अपटेक भी कर सकते हैं, उसे ग्रीन वाटर कहते हैं। ब्लू वाटर होता है जो अलग अलग आपका जो वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, यानी कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया या सी हो गया, वहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
ग्रे वाटर क्या है, जितना भी सीवेज वाला वाटर होता है वो सारा ग्रे वाटर में कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाटर इज हेल्ड बिटवीन द टेंशन ऑफ 1/3 bar, बार या एटमोसफेयर आप बोल सकते हो, टू -31 एटमोसफेयर. सो इसको कहा जाता है आपका कैपिलरी वाटर. ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अवेलेबल वाटर कौन सा होता है, तो वो होता है 1/3 एटमोसफेयर से रिलेटेड लेके -15 एटमोसफेयर तक का अवेलेबल वाटर. सो अवेलेबल वाटर आपका कैपिलरी वाटर का ही एक पार्ट होता है. ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ होता है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होता है, दैट इज़ अराउंड 90-95%. ठीक है, वेयर एज जो हमारा फ्लडिंग इरिगेशन होता है उसमें अराउंड 30-40% उसकी एफिशिएंसी होती है. नेक्स्ट इज इरिगेशन मेथड दैट इज सूटेबल फॉर द अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, यानी कि अनड्यूलेटिंग ऐसी टोपोग्राफी है वहाँ पर कौन से टाइप का आपका मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, तो ये होता है स्प्रिंकलर. क्योंकि स्प्रिंकलर क्या करता है, यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करेगा चारों तरफ. ठीक है, वेयर एज अगर आप फ्लडिंग मेथड से जाते हो तो फ्लडिंग मेथड में क्या है, यहाँ पर पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, चल गया तो यहाँ पर पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर आगे नहीं जा पाता. तो फ्लडिंग मेथड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. ड्रिप इरिगेशन में भी प्रॉब्लम होगी. सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, स्प्रिंकलर इरिगेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल. वीड कंट्रोल का कल्चरल मेथड कौन सा है, यानी कि देखिए आपके अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, एक तो फिजिकल मेथड हो गया, बायोलॉजिकल मेथड हो गया, कल्चरल मेथड्स होते हैं जो कि जो अलग अलग आपके टिलेज ऑपरेशंस हैं उनमें मैनिपुलेशन करके करते हैं. ठीक है, सो इसमें से टिलेज ऑपरेशन या फिर कोई भी ऑपरेशन जो हम करते हैं. ठीक है, तो स्टेल सीड बेड इज वन ऑफ द कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, जिसमें क्या करते हैं, एक लैंड एरिया जो हमारा फील्ड एरिया है वहाँ पर हम पहले इरिगेशन कर देते हैं. इरिगेशन करने से क्या होता है, जितनी भी वीड की सीड्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगी ना, वो सारी जर्मिनेट कर लेंगी. जी, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनके ऊपर हम डाल देते हैं कोई भी आपका नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ताकि सारी की सारी जो वीड्स हैं सारी एक साथ फिनिश हो जाए, सारे ख़त्म हो जाए. तो उससे क्या है, सीड बैंक जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है वीड्स का. तो दैट इज़ वन ऑफ द मेथड्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज टोटल रूट पैरासाइट. टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है, ये कैसे याद करना होता है, CLOS करके. ठीक है, तो इसमें से जो कैस्केटा है दैट इज टोटल स्टेम पैरासाइट. ठीक है, और ओरोबैंकी क्या है, टोटल रूट पैरासाइट. ठीक है, और लॉरेंथस क्या होगा, ये टोटल हो गया तो ये क्या है, सेमी. ठीक है, सेमी स्टेम पैरासाइट. और तीसरा हमारे क्या बचा, स्ट्राइगा, सॉरी फोर्थ जो है वो है स्ट्राइगा, ये है सेमी रूट पैरासाइट. ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कंजर्वेशन. ठीक है, कंजर्व करके रखना, यानी कि सॉइल को कंजर्व करके रखना, वाटर को कंजर्व करके रखना, लैंड को कंजर्व करके रखना. तो इसमें क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या होगा, फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ सिंथेटिक, नहीं, फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस. ठीक है, और व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है, कंजर्वेशन टिलेज होता है जहाँ पर हमारा एटलीस्ट 30% जो लैंड एरिया है वो कवर्ड रहेगा विद द क्रॉप रेसिड्यू, सो दैट जो भी लैंड एरिया है उसमें सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाए. ठीक है, सॉइल को कंजर्व करना इज वन ऑफ द मोटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टिवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट डेफिनेट रो पैटर्न इज कॉल्ड एज मिक्सड क्रॉपिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है. ऑल दो बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम्स में आ जाता है, और कभी कभी स्टूडेंट्स क्या है, सिंपल क्वेश्चन भी बहुत बार गलत कर देते हैं.
सो यू नीड टू रिवाइज दीज ऑल्सो. ठीक है, देन दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन IBPS AFO इस बार. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ही ये और एग्जाम्स के लिए भी. एरोमा इन राइस इज ड्यू टू 2-acetyl-1-pyrrolean. ठीक है, ये केमिकल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज्ड फॉर द वीट कंट्रोल मेज में. देखिए, जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है वीट, मेज, राइस, शुगरकेन, ये वाली सारी क्रॉप्स. ठीक है, इनका अच्छे से आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा. ठीक है, सो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कौन सा यूज़ किया जाता है? एट्रोजन इसमें यूज़ किया जाता है बेसिकली. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज रेशियो फॉर सीरियल क्रॉप्स. सो सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं? हैवी फीडर होते हैं न्यूट्रिएंट्स के. ठीक है, सो जनरली इसमें नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा चाहिए होता है. सो इसलिए सीरियल क्रॉप्स में 4:2:1 रेशियो में जाता है NPK. पल्स क्रॉप्स में क्या है, क्योंकि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन खुद कर लेते हैं, सिर्फ इनिशियली डेज में उनको अराउंड 20 kg नाइट्रोजन देना पड़ता है जब तक रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन नहीं हो जाता. ठीक है, सो जनरली यहाँ पर 1:2:1 का रेशियो होता है NPK का. देन वी हैव द ऑयल सीड, इनमें भी अराउंड 3:2:1 है, और फोडर क्रॉप्स में भी 2:1:4 का रेशियो है. फोडर क्रॉप्स में थोड़ा सा ज़्यादा पोटेशियम यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोपीरियोडिकली बार्ले इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट. सो बार्ले क्या होता है? बार्ले इज रबी सीजन क्रॉप. ठीक है, रबी सीजन में ये जनरली होती है. तो रबी सीजन की जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं वो क्या होती है? लॉन्ग डे प्लांट होती है. ठीक है, इसमें अच्छा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सनफ्लावर किस तरह का प्लांट है. इज़ इट अ लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर फ्रॉम शुगर केन. टाइंग द केन्स बाई यूजिंग द लोअर बॉटम लीव्स, यानी कि नीचे की लीव्स जो थोड़ी ड्राई लीव्स होती हैं उनसे जब हम टाई अप कर देते हैं. क्यों टाई अप किया जाता है? क्योंकि लॉजिंग इसमें होती है, लॉजिंग की प्रॉब्लम. ठीक है, तो लॉजिंग की प्रॉब्लम से थोड़ा बचने के लिए क्या कर देते हैं? इसको टाई अप कर देते हैं. तो इस जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ द स्टेकिंग प्रोसेस. ठीक है, डी ट्रैशिंग क्या होता है? डी ट्रैशिंग की जो मतलब डी ट्रैशिंग में बेसिकली जो नीचे की लीव्स जो ड्राई हो जाती हैं उनको हटा देते हैं, सो दैट प्लांट में इतना ज़्यादा बोल सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा हैवीनेस ना रहे या फिर उसको बहुत ज़्यादा भार ना उठाना पड़े, तो इसलिए हटा देते हैं. ठीक है, सॉरी प्रॉपिंग. ओके, नहीं नहीं, इसमें आंसर जो है प्रॉपिंग है. स्टेकिंग क्या होता है? स्टेकिंग बेसिकली कोई भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जब हम वहाँ पर कुछ रख देते हैं ना उसको स्टेकिंग कहते हैं. ठीक है, सो स्टेकिंग प्रॉपिंग, थोड़ा मैं इसमें कन्फ्यूज हो गई. प्रॉपिंग इज़ द करेक्ट आंसर है. ठीक है, स्टेकिंग क्या होता है? जब हम कोई एक्सटर्नल प्रॉप वहाँ पर लागे यूज़ करते हैं, कोई भी आप बोल सकते हो हम ऐसे कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई डंडा ला के रख दें और फिर उस पर सपोर्ट प्रोवाइड करें उसका. ठीक है, तो वो स्टेकिंग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश परसेंट ऑफ ब्रिक्स रीडिंग इंडिकेट्स द मेच्योरिटी ऑफ शुगर केन. तो शुगर केन में जो मेच्योरिटी आती है ना, तो इसके अलग अलग आपके इंडिसेस होते हैं. एक तो हो गया आपका कि ब्रिक्स हम ब्रिक्स जो एक रिफ्रैक्टोमीटर है उससे हम मेजर करते हैं ब्रिक्स में 16-20% होना चाहिए. ठीक है, फिर इसमें एक तो देखा जाता है कि स्वेलिंग होती है. ठीक है, तो बर्ड्स क्या होती हैं? थोड़ी स्वेलअप हो जाती हैं. और तीसरा होता है कि मेटैलिक साउंड, अगर आप उसको बीट करोगे तो उसमें एक मेटैलिक साउंड आएगी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस. सो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस क्या है? आपका एक बोल सकते हो एक वीड है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करते हैं. कौन सा? दैट इज़ द ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी की तरह आपका जो कैक्टस है इसके लिए हम कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम यूज़ करते हैं. देन वी हैव वाटर हाइसिंथ, इसमें नियोचिटना इकॉर्निया है. और आपका लैंटेना कैमरा में क्रॉक्सिडोसेमा लैंटेना इस वक्त थी.
बायो कंट्रोल एजेंट दैट इज यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली. इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं मैच करा है. पहला देखते हैं फ्लिंट कॉर्न जिसको जियामेज इंडियोराटा कहा जाता है. देन वी हैव द डेंट कॉर्न जियामेज इंडेंटाटा कहा जाता है इसको. पॉपकॉर्न भी करेक्ट है जियामेज एवर्टा. स्वीट कॉर्न जो है दैट इज नॉट जियामेज यूनिकाटा बट इट इज जियामेज सैकराटा. ठीक है. अच्छा क्यूनिकाटा किसका नाम है दैट इज द फॉर वैक्स कॉर्न. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इजिप्शियन कॉटन. ठीक है. इजिप्शियन कॉटन किसको कहा जाता है तो इसका आंसर है आपका बारबडेंस गॉसिपियम बारबडेंस. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो सीरियल. देखिए दो तरह आपके एक तो सीरियल्स होते हैं जो कि सारे पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. दूसरा आपके हो गए स्यूडो सीरियल्स. स्यूडो सीरियल्स क्या होते हैं जो कि सीरियल्स की तरह ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट इनमें काफ़ी होता है लेकिन इन ये बिलोंग नहीं करते पोएसी फैमिली को. ठीक है. सो इसमें आता है आपका क्विनोआ इज वन ऑफ द एग्जाम्पल चिनोपोडियम क्विनोआ. इसके अलावा कौन कौन से हैं आपके मेजर जो स्यूडो सीरियल्स हैं दोजार बकवीट हो गया चिया कैनरी सीड एमरेंथ हो गया क्विनोआ तो है टेफ. ठीक है. ये सारे आपके स्यूडो सीरियल्स हैं. नेक्स्ट इज द सीड्स ऑफ टोबैको. सो टोबैको के जो सीड्स हैं वो कैसे होते हैं पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक. ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका आई बी पी एस एफओ में भी आया था कि इसमें से कौन सा फोटोब्लास्टिक सीड है तो वहाँ पर लिट्यूस वॉज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर टोबैको भी क्या है इज वन ऑफ द पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड. और जो आपके अनियन सीड्स होते हैं दोज आर निगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज ऑल्सो इन योर एग्ज़ाम है ना आई बी पी एस एफ ओ के मेन्स में ये भी आया था. क्वेश्चन वहाँ पर ये था कि ब्लैक कलर का जो ब्लैक टी है उसमें कलर किस वजह से किस कंपाउंड से आता है. सो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टी कलर एंड फ्लेवर आर आंसर क्या है थियाफ्लेविंस और थियारूबिजिन्स. ठीक है. सो ये दोनों होते हैं फॉर ब्लैक कलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लैक कलर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच स्टेज ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज वाटर हेल्ड टू टाइटली एंड कैन मोस्टली मूव इन द फेम इन द वेपर फॉर्म. वेपर फॉर्म में हाइग्रोस्कोपिक जब वाटर होता है वही होता है अदरवाइज जितने भी तरह के आपके सॉइल में वाटर होते हैं सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. सो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट इज द करेक्ट आंसर है. सो ये थे आपके सारे किसके क्वेश्चन मतलब इम्पॉर्टेंट जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस हैं. और भी हम आगे सीरीज चलाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे. ठीक है. अगर आपको DSSSB की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको मॉक टेस्ट चाहिए इसके तो फ्री में अवेलेबल हैं एट iExamB साइड. यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं. इसके अलावा BPSC BAO और CUET PG के भी क्वेश्चन पेपर्स आप बोल सकते हो या फिर मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है. साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं. किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.